नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। नागपुर शहर में हत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। शहर में विवाद छुड़ाने गई महिला की पेट्रोल डालकर जलाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके चलते शहर में खलबली मची है। संबंधित मामले में महिला की मौत के बाद स्थिति गंभीर हो गई। पुलिस महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर बीते रात 10:30 बजे घटना की जानकारी ली गई। महिला शबाना की उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है। शबाना पांच पावली की निवासी है और धंतोली की एक ऑटोमोबाइल शोरूम में कार्य करती है। शुक्रवार की रात काम से लौट रही थी महिला। दिए गए बयान में महिला ने बताया कि उसे सदर के हल्दीराम चौक के पास युवक और युवती की लड़ाई हुई, तभी महिला के शरीर पे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। शनिवार को मृत्यु के पहले अपना बयान महिला ने दर्ज कराया है। महिला का बयान कराने वाली सदर महिला थानेदार संतोष बकाल और उनके सहयोगी ने घटना स्थल का जायजा लिया। शुरुआत में महिला को जब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तब महिला ने इसी प्रकार की हकीकत बताई थी कि जब वो काम से वापस लौट रही थी, तब एक कपल झगड़ा कर रहा था और उसका झगड़ा छुड़वाने में जब उसने कोशिश की, तब उस पर किसी ने ज्वलनशील पदार्थ डाला। पर जब इस बात की पूरी तहकीकात की गई और इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया, तब पता चला कि महिला का एक्चुअली 3 वर्ष से फेसबुक पर एक आदमी से मुलाकात हुई थी और उसकी फ्रेंडशिप हुई थी और बाद में उनका एक प्रेम प्रकरण शुरू हो गया था। महिला ने जो उसका प्रेमी है उसको ये नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। 2019 में जब ये बात उसके प्रेमी को पता चली तो उनके संबंधों में दरार आ गई और काफ़ी उनमें तनाव निर्माण हो गया और तब से उनका रुक रुक कर रिलेशनशिप जो है, कभी वो एक दूसरे को व्हाट्सएप पर ब्लॉक करते थे, कभी बात करते थे, इस प्रकार उनका रिलेशनशिप चल रहा था।